नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI पंजाब में आतंकवाद के जिन को फिर से जिंदा करने की कोशिशों में लगी हुई है। इसके लिए उसने खालिस्तानी संगठन को न केवल हथियार और पैसा बल्कि भारत विरोधी प्रचार करने का जिम्मा भी सौंपा हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि जो हथियार AN-94 जिससे मूसे वालों की हत्या की है, हत्या में प्रयोग हुआ है, वो ना तो हमारी इंडियन आर्मी के पास है और ना ही हमारी पुलिस के पास है। उससे ये बात और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाती है और इस बात को बल मिलता है कि एक बार फिर से पंजाब की धरती पे आतंकवाद जो है अपने पैर पसार रहा है। दोस्तों, आज मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मेरे साथ वाली स्क्रीन पर है लेखक और राजनीतिक विश्लेषक उजागर सिंह जी। उजागर सिंह जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दर्शकों की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उन सबका धन्यवाद, दर्शकों का भी, आपका भी। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने वो दौर भी देखा है जब आतंकवाद का बोलबाला पंजाब में बहुत जोर शोर से था। आपको क्या लगता है कि हाल की जो घटनाएं हैं, आए दिन जो सेलिब्रिटीज की हत्याएं हो रही हैं, ये सब क्या है? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? वैसे तो मनविंदर जी, जो पंजाब में चल रहा है, जैसे आपने पहले कहा है, शक की सुई तो इस पर चली जाती है कि शायद बाहरली एजेंसियां का कोई इसमें हाथ हो, पर क्योंकि हमारे पास तो कंक्रीट कोई सबूत नहीं होते, हम तो लोगों से सुनते हैं, अखबारों में आता है, सुनते हैं। पर जो ये इंसिडेंट हुआ है शुभदीप सिंह मूसेवाला का, इसके बारे में जो अभी तक पंजाब में महसूस किया जा रहा है, इतना तो जो 80s में पंजाब में बहुत बुरा हाल था, उस समय भी ऐसा महसूस नहीं किया। मेरा कहने का भाव है, लोगों में इतना डर है, इतना सहम है कि उस वक्त भी इतना नहीं था, हालांकि उस वक्त बहुत किलिंग हुई थी जी। वैसे जो पुलिस वेरी कह रही है, देखो हम तो पुलिस पर डिपेंड करते हैं, हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं होती जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर ले, हम तो इनकी पुलिस की बातों से, अखबारों की खबरों से या लोगों से सुनकर जो जजमेंट करते हैं जी जी। इस इंसिडेंट के बारे में तो जो मैंने सुना है जी, वो रंजिश है, आपस की दुश्मनी है, दो ग्रुपों का विरोध है आपस में, क्योंकि जो शुभदीप सिंह मूसेवाला का कत्ल हुआ है, उसका जो मैनेजर था शगनप्रीत सिंह जी, उसके बाद जो मिड्डू खेड़ा एक नौजवान की डेथ हुई थी जी जी बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में जी, उसके बारे में दिल्ली एजेंसीज ने, दिल्ली पुलिस ने, या दिल्ली पुलिस है सेंटर के अंडर है, उसने जो बताया था कि शगनजीत सिंह पहले उसके मर्डर के पहले रेकी करके गया। देखो ये हमने भी अखबारों से सुना है, पुलिस की वेरिफिकेशन का आपको भी पता है भी, हम सारा पुलिस पे सब यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो हमको भी पता है जी जी। उसको उनको ये शक हो गया दूसरे ग्रुप को भी उसका उसके मर्डर में मूसे वाले का हाथ है, इसीलिए उन्होंने जो बोला है अपने सोशल मीडिया पे, उससे ये मालूम होता है कि उन्होंने दुश्मनी के साथ ये मर्डर किया है जी जी। लेकिन इसका असर पंजाब में ऐसा हुआ, जैसे आपने बोला है, पंजाब में सहम और डर की भावना पैदा हो गई है जी, लोग डरने लगे हैं कि कितने ऐसे ना हो, दोबारा 80 का जमाना आ जाए, फिर उसके प्रतिक्रिया कितनी होती है आपने देखा है, उसकी प्रतिक्रिया में बाद में
ब्लू स्टार ऑपरेशन होया, इंदिरा गांधी का मर्डर होया, कि उस रिपरकशन से पंजाब के लोग बहुत डरे हुए हैं। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद में पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आ सकता है। जो आपने बोला ये भी हो सकता है, हम इनसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो हम ये कह दें। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपके सवाल से पहले, जी, कि जो ये ग्रुप काम करते हैं, ये ग्रुप पहले यूपी, महाराष्ट्र ते बिहार में बहुत करते थे, दिल्ली में भी बहुत हुआ जी। इनका नाम भी इन्होंने गैंगस्टर रख दिया। हमारे पास तो कोई सबूत नहीं, हम तो पुलिस के कहने पर ही इनको ये शब्द बोलते हैं जी। लेकिन ये लोग असल में ये भटके हुए लोग हैं, गुमराह हुए लोग हैं, क्योंकि जो पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट है, वैसे मैं एक बात बता दूं, क्योंकि मैं 80s में सरकार में था। जी, मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि आपने वो दौर भी देखा है और ये भी देखा है। ये मतलब इस वो जो डर है और ये जो डर है, आप इनको एक जैसा ही महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि लोगों में ऐसा डर पैदा हो गया। मैं वैसे नौजवानों के बारे की बात कर रहा था, जो 80 का हुआ था ना, जो सारा टेररिज्म हुआ, उसका नाम अतवाद दिया, जो बकवाद दिया, जो भी दिया, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट का सिटा ही था। क्योंकि पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट उस समय से शुरू हो चुकी थी। ये लोग जो गुमराह करते हैं ना इनको, लोगों को, सब हमारे पहली में एक बात मैं और वादा हूँ, पंजाब के जो नौजवान हैं, जो पंजाब के लोग हैं, एक गुमराह तो बहुत जल्दी हो जाता है, भटक जाते हैं, इमोशनल है, इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, इनको लालच दिया जाता है कि तुम इतनी जल्दी ये नौकरी पे भी लग जाओ, इतने पैसे नहीं कमा सकते जितने हम आपको देते हैं। तुम्हें पता है कि ह्यूमन माइंड है वो कमज़ोर होता है और लालच में उनके ग्रस्त में आ जाता है। मैं उस तजर्बे से आपसे एक बात और भी करनी चाहता हूँ। बिल्कुल, करिए। उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ जो इस गलत राह पे गुमराह होकर चले हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो खुद गए हैं, उनको हालात ने ऐसा बना दिया भाई। उनको भी मैं बेनती करता हूँ कि उनकी जी एज है ना, जो इस फील्ड में आता है, एज 10 साल से ज्यादा नहीं होती। जी, अगर अगर आप 10 साल पैसे भी कमा लें, डर डर के रहे, लोग छिपके रहे, सहन बना रहे, आपके परिवारों पे पुलिस तशद्दुद करे, तो आपको क्या क्या ये अच्छा लगेगा? ये अच्छा नहीं लगेगा। इस करके पुत्रों आप वापस आ जाओ, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। इसमें मैं ये भी कहता हूँ कि पंजाब सरकार की और सेंट्रल सरकार भी जिम्मेवारी बनती है कि वो ये कहकर टाल ना दे, मुनकर ना हो जाए कि टारगेट किलिंग थी, टारगेट किलिंग है, ये आम हो जाती है। वो ऐसी बात मत करें, वो काउंसलिंग करने की कोशिश करें। मैं आपको अपने तजर्बे से बताता हूँ कि 80s में भी हमने पंजाब के काले दौर में भी इनसे काउंसलिंग की। बहुत सारे गुमराह हुए बच्चे मेन लाइन में आए, लेकिन ठीक है, थोड़े नहीं आए, कुछ जने ज़्यादा ब्रेन वॉश कर लेते हैं, उनका नहीं आते, ये थोड़े हो गए आगे सी, तो इन्हों आना चाहिए। इस करके मैं उनको बेनती करता हूँ कि वो वापस आ जाए, ऐसी बातें ना करें। हम वो हमारे बच्चे हैं, एक दूसरे के बहन भरा हैं। अगर कोई ऐसी बात होती है तो माँ बाप, बहन भरा, पत्नी पति, देखो लड़कियां भी इधर आ गई ने, इस करके ये सारे प्रभावित होंगे ने, खून डुलन बारे कोई चंगा नहीं समझता। इस करके हाँ, नहीं, बात तो गलत है, लेकिन बच्चे मानते नहीं है इन सब चीजों को। ये जो मूसे वाले की हत्या हुई है, और इससे पहले अगर एक रिपोर्ट देखूं तो उसमें पिछले 100 दिनों में लगभग 158 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जिनमें सेलिब्रिटीज हैं, प्लेयर्स हैं, प्लस एक पुलिस के ऊपर भी अटैक हुआ,
इन सब चीजों को मतलब आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ये तो आपसे मनविंदर जी पहले कह चुका हूँ, क्योंकि पंजाब के लोगों में ये सहम और डर है, वो डरते हैं कि वो दौर ना दोबारा आ जाए। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो कबड्डी प्लेयर जरा होया सी संदीप जी, संदीप संदीप का कतल होया, फिर मिडू खेड़े का कतल होया, गुरलाल का कतल होया, फिर कलकत्ते जाके एक साडा नौजवान उत्थे मारिया गया एनकाउंटर। मतलब ये गल्लां ने जिहड़ियां ने इन्हां नाल पैनिक क्रिएट हुंदी है, डर क्रिएट हुंदी है। हुण तुसीं देखो चाहे मूसे वाले नूं कोई लोग ईवन आपां भी, मैं भी उहदा कदे गाणा नहीं सुनिया, लेकिन अख मेरी भी नम हो गई है। हर व्यक्ति ने यह महसूस किया कि वो सिर्फ क्यों हुई है। लोग ऐसे गल तो डरते हैं, असीं भी कि वो दिन ना मुड़ के आए। आप सही कह रहे हैं, पहले पहले हम माता पिता हैं, हम किसी के बच्चे हैं, इस नजरिए से आपने कहा ना कि आपकी आंख नम हुई। देखो तुसीं वैसे मैं आपको बताता हूं, लेकिन राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इन चीजों को नहीं समझते। अब ये सब चीजों के इनपुट पंजाब सरकार के पास थे कि ऐसे कुछ वहां कार्ड हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मूसेवाला की उन्होंने जो सिक्योरिटी थी उसको लेस किया, इवन कहिए कि कम कर दिया उसको। हाँ जी, उन्होंने ऐसे हुआ जी, जो ब्लू स्टार ऑपरेशन की 38वीं मतलब वर्षी है, साल है, उस सरकार उससे डरी होती है भाई कुछ कोई ऐसा ना हो जाए, द्वारा दंगे हो जाए, भड़क जाए, कोई बात हो जाए। सरकार एक पासे हो गई सारी, उनको इधर से ध्यान हट गया। मैं जो बात कर रहा था भी चाहे हम सारे सारे लोग उनको मूसे वाला को जानते नहीं थे, उसके गाने नहीं सुने, उसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जो मानसा शहर है, मानसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से मूसे वाला 63,000 वोट से हार जाता है। लेकिन जब मूसे वाले का कत्ल होता है तो सारा मानसा बंद हो जाता है, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बंद हो जाती है, दुकानदारों ने दुकानें नहीं खोली, लोग अशस कर उठे, लोग डर रहे हैं ये क्या हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पंजाब के लोग हैं बहुत सेंसिटिव है, वो चाहे कोई फील्ड है जो अग्रेसिव हो जाते हैं तो इमीजिएट वो अग्रेसिव भी हो जाते हैं, जो डर जाते हैं तो डर भी बहुत जाते हैं। इस करके ये जरा थोड़ी गल बिल्कुल ठीक है, ये जो कतल हुए ने ये ठीक है, सरकार की ये सरकार नू असी बिल्कुल मतलब क्लीन चिट नहीं दे सकते। जो आप कही भी सरकार सरकार की सब की वीडी सब तो वीडी गलती तो यह है, मुख्यमंत्री दे सोशल मीडिया दे इंचार्जा की बहुत वड्डी गलती है, जिन्हों पंजाब दे लोग तो यह कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जी वागडोर है वो केजरीवाल दे हाथ है, ये सारा कुछ दिल्ली तो होंदा। तो जिहड़ा सारे मैं ये नहीं चाहता भी मुख्यमंत्री नूं समा ना दिता जाए, अजे नवा नवा है उन्हें 6 महीने समा देना चाहिए, पर जो यहोजी इंसीडेंट हो जाती है तो असी बोलने लिए मजबूर हो जाने। हुण जिहड़ा दा सोशल मीडिया दे इंचार्ज दिल्ली बैठे ने, दिल्ली तो बिठा के पंजाब च बिठाते, उन्होंने भेजते, उन्होंने ये नहीं समझ आती भी जिहड़ी सिक्योरिटी विद्रा करके तुसी आप मतलब विरोधियों नूं दस रहे हो, जिन्हों तो डर करके तुसी उन्होंने सिक्योरिटी दिती हुई है, तुसी उन्होंने सोशल मीडिया से पा के दस रहे हो भी असी इन्हां दी सिक्योरिटी वापस ले ली, इहदा मतलब तुसी उन्होंने आप ला रहे हो भी भाई तुसी जिहड़ा करना कर लो, असी उन्होंने सिक्योरिटी वापस कर ली। जिते हुए ने मूसे वाले दे संस्कार ते एक भी नहीं गया, हुण मगरों जान लगे ने। अज सरदूलगढ़ दा उत्थों MLA गया आम आदमी पार्टी दा, उहनूं उत्थों दरां तों मोड़ता किसे ने लोकां ने वड़न नहीं दिता। अच्छा भगवंत मान दे मंत्री गए, चलो मिले है, कोई पहला नहीं दस्या वे असीं आ रहे हैं, हुण भगवंत मान गया। जे तुसीं उह वीडियो देखदे जिथों जी भगवंत मान की गड्डी लंघी आ, आले दुआले लाइन बना के पुलिस वाले खड़े सीगे, क्योंकि डरी सरकार भी हुई है, जमीन पैरेंट और सरकार दे भी निकली पई है, क्योंकि उधर भगवंत मान ने जिहड़ी सीट खाली की है संगरूर की, उत्थे उप चोण है। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ
मैं हाँ वही जी बात आपसे करने वाली थी कि संगरूर लोकसभा उपचुनाव की खातिर आम आदमी पार्टी जो है अभी अपने कैंडिडेट की घोषणा करने वाली है, और सीएम की जो बहन है मनप्रीत कौर, इसके अलावा कुछ और सेलिब्रिटीज के नाम भी चर्चा में है, लेकिन अब जो मूसेवाले की हत्या हो गई है, इसके बाद नए सिरे से सारी जो है मंथन हो रहा है, नए सिरे से चीजें सोची जा रही है, और 23 जून को संगरूर लोकसभा सीट पे होने वाला जो उपचुनाव है, बाय इलेक्शन है, इस पूरे सिनेरियो का उस पे भी कोई असर आप मानते हैं? ये बिल्कुल देखो असर तो पड़ेगा। जैसे भगवंत मान बड़ी लीड नाल धूरी हलके तो जितया जब पार्लीमेंट जितया वो तो मार्जिन जरूर घटेगा, पर आपां ये नहीं कह सकते भी आम आदमी पार्टी हार जाएगी। थोड़ा बहुत असर तो पवेगा जरूर, पर बहुता नहीं पैंदा क्योंकि आपोजिशन है ना जिहड़ी बलविंदर जी आपोजिशन दे विच ये पोजिशन आई पई है। किसी पार्टी ने अजे तक कैंडीडेट अनाउंस नहीं किया, जिस कैंडिडेट को पार्टी चोन करती है जिम्मे फर्ज किया अकाली दल है, उन्होंने सुनया प्रेम सिंह चंदूमाजरे चोन लड़न लिए कहा तो वह लड़ना नहीं चाहता क्योंकि होर स्टार बड़ा लीडर उत्थे कोई लड़ना नहीं चाहता। तो उस तो बाद ढींड साहब विद्रोह कर गया भी मैं नहीं लड़ना, तो कल्ली बीजेपी रहेगी। कांग्रेस के जोड़े छोटे बड़े कैंडिडेट ने वो इनकार करके हूँ जरा धूरी तो संगरूर ये खिलाफ लड़िया भगवंत मान दे मुंडा गोल्ड ही है, हूँ वो कोशिश कर रहे हैं भी गोल्ड ही खड़ दे, पर छोटे लीडर खड़न गए, बड़ा लीडर भट्ठल भी जवाब देगी कोई नहीं खड़न तैयार। इस करके आम आदमी पार्टी को सौखा जा एक सिमरजीत सिंह मान खड़ेगा। दूजी मतलब गल आप ये कहना जेड़ी चाह रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल पार्टीज हैं, चाहे वो रीजनल पार्टीज हैं, सभी पे मूसेवाला की हत्या का कुछ असर हुआ है। नहीं उसका असर तो उनको फायदा हो सकता था उसका नहीं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी ने क्योंकि अजय 2 महीने हुए ने थमिंग मेजोरिटी ली है उन्होंने। ये जरा मालवा एरिया ना जिथे जिथे इलेक्शन हो रही है इतों तो कांग्रेस ने सिर्फ 2 कैंडिडेट जीते, होर किसी पार्टी का कोई जीते ही नहीं। 60-62 जी सीटा चो 2 सीटा जितनिया, ये उन्होंने ये पता भी असं सीट हारनी है इस करके वो खड़न तैयार ही नहीं। अच्छा उत्थे ये तो उत्थे ये भी सुनिया भी भगवंत मान की भैन जे खड़ा करे तो फिर ये दूजिया पार्टियां नूं फर्क ही रह गया। हुण तक दियां जिहड़ियां आम आदमी पार्टी के फैसले ने वो कोई दूजिया पार्टियां तो वक्खरे फैसले तो है नहीं, उन्हां वर्गे ही फैसले ने। जे उन्हें अपनी भैन नूं टिकट दवाता तो कुनवा परवरी का तो उत्ते भी इल्जाम लग जाना। हाँ जित तो उन्हें जाना ही है, अपनी भैन नूं मैंबर पार्लीमेंट बना लेगा पर कुनवा परवरी का वो लग जाएगा। हुण एक होर मिलीटेंट सो कॉल्ड जी नूं कहिंदे सीगे वो जिहड़ा बेअंत सिंह कतलकांड बलवंत सिंह राजोआणा जेल च है, वो कहिंदे सी उहदी मूंह बोली भैण नूं भी इत्थों कैंडीडेट बना दो, हुण वो भी जवाब देगी क्योंकि हर इक नूं पता भी इस बारी आ जिहड़ा आम आदमी पार्टी ने जित जाना, कोई भी कैंडीडेट खड़न नूं तैयार ही नहीं है। हाँ ठीक है भी आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी अगे नालों डाउन होया दिन ब दिन, जे आपां कहीए ना जदों 2 महीने पहला चोण हुई सी उस तो ग्राफ डाउन हो गया था। हाँ जी अच्छा, मुख्यमंत्री जो भगवंत सिंह मान है, इस लोकसभा सीट से 2 बार एक बड़े अंतर से जीत चुके हैं, आपको तो पता ही है, और अकाली दल अमृतसर की जो सियासत है, इसी इलाके ने उसको धार दी थी, और अभिनेता दीप सिंधु की मौत का असर उस समय जब इलेक्शन था उस समय संगरूर, बरनाला और जिलों में भी काफी साफ तौर पे दिखाई दिया था। अब चूंकि इलेक्शन जो बाई इलेक्शन जो बहुत नजदीक है, तो इस सीट पे किस तरीके से सोचते हैं, क्या समीकरण बनेंगे उनके? देखो जी इस तो बहुत क्लियर है अकाली दल का नहीं कोई बंदे वोट पैनी उत्थे क्योंकि अकाली दल का जो ग्राफ है ना उन्हें जमीन खिसक चुकी है क्योंकि वह पंथक पार्टी सी, पंथक गल्लां करके उन्होंने मार खानी पैगी। इस करके उन्होंने जी सिख वोटर ने खास तौर पर तो वो बिल्कुल लाइक नहीं करते, उन्होंने नहीं पैनी। कांग्रेस का वैसे ही पाटो धाड़ है, कांग्रेस के विच उन्होंने नवा प्रधान बनाया पर वो भी उस तरीके प्रवान नहीं किया जिमें उन्हों प्रवान करना चाहिए सी कांग्रेस में। तो अकाली दल जो मान सिमरजीत सिंह मान आ देखो वो प्रो खालिस्तान गिणा जाता, इस करके उन्होंने बहुती वोट तो नहीं पैनी, लेकिन उन्होंने जी सैकुलर कुछ वोट मुसलमान कम्युनिटी की हैगी
ਉਹ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, अच्छा, राजनीति से अलग हटकर एक सवाल और भी मेरे जहन में आ रहा है कि पंजाब में ये जो गन कल्चर आया है, इस पे चेक कौन लगाएगा? इस पे चेक लगाने की जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट की होती है ना? डेफिनेट ये तो होती है। प्रॉब्लम ही यही है कि मैं 6 महीने पहले तो पहले बोल चुका हूँ कि सरकार के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि लोग फिर ये सोचते हैं भी यह इन्हों नैगेटिव एटीट्यूड है भी सरकार को कम कर नहीं देंगे। पर भगवंत मान जी बारे जी प्रॉब्लम मैं पहला थोड़ी दसिया, जिस डोर द जिस पतंग की डोर दिल्ली हो उस पतंग का चढ़ना बहुत औखा होंगे। वो फैसले दिल्ली तो होंगे ने, प्रबंध की देखो माफ करना, 92 बंद इनकलूड भगवंत मान, प्रबंधक तजर्बा नहीं है। बुलारा देखो बहुत वधिया है, इस कोई शक नहीं, जो पार्लीमेंट से 5-7 मिनट बोलता सी बहुत वधिया बोलता, पर स्टेज का तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फर्क होंगे। सारी फाइल में पढ़ना, पढ़ के फैसला करना, हुण उन्हां दी क्वालिफिकेशन है जिहड़ी ना, वह उन्हां दे रस्ते विच रोड़ा बन रही है, क्योंकि वो जिहड़ी IAS अफसर अंग्रेजी नोट लिखते हैं, अंग्रेजी करते हैं, जां तां पंजाब दे विच पंजाबी उस तरीके लागू होवे, ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ IAS ਅਫਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਫਸਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, IAS ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੱਗ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ IAS, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਠੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਵਸੀ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ बेबसी का शब्द बार बार प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो मतलब केजरीवाल के कठपुतली हैं, उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं? एक कला केजरीवाल ही ना, मैं तुम्हें वही बार बार ताई कह रहा, एक ता केजरीवाल दे हाथ डोर है, एक अफसरा कोल बेबस है, एक पोलिटिकल जिहड़ियां प्रॉब्लम होंदियां ने, इन्होंने देखो इन्होंने अपनी पार्टी भी रखनी है, पार्टी का इंटरस्ट भी वाच करना, उत्थे आके बेबसी मूहरे खड़ जाती है, मतलब जब फैसला करना होंदा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ PCS ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਜਦ ਉਹ ਬਦਲੀ 2-2 ਵਾਰ 3-3 ਵਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੇਬਸੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੀਅਰ ਸੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਨਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪਸੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ
पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको बखूबी पता होगा। अब पंजाबी सिंगर जो मूसेवाला है, इनकी हत्या के बाद एक चीज़ और सामने आई कि जेलों में जो है गैंगवार का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि जेलों से गैंगस्टर एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत डेंजरस है जी, मामला है, ये बड़ी अजीब गल है। तुसी जेलों चो मोबाइल लभ रहे हो, हुण आपां ये दोष नहीं ला रहे, ये अखबारां च खबरां लग रही है भी फलानी जेल चो इन्ने मोबाइल मिल गए, फलानी चो इन्ने मिल गए। ये मोबाइल किस तरह एंटर कर जाते रहे हो? जे मिली भगत तो बिना मोबाइल अंदरों जा सकता, इस करके तो गैंगस्टर अंदरों ऑर्डर करते हैं। ये करके देखो हुण आपणे को प्रॉब्लम उत्थे आ जाती है भी साढ़े को सबूत नहीं होंगे, असी ऑन एयर ये गल कर रहे हैं, पर जिहड़ियां गल्लां लोग करते हैं वो गल्लां ही मैं तुहानूं दस रहा। हुण जिहड़ी गल ये भी आई है भी ये जेल का स्टाफ रलिया हुंदा, फरौतियां चों हिस्से लैंदे ने। हुण देखो दो जेल सुपरडेंटां ते नाभा जेल दे ते सुपरडेंट दे ते डिप्टी सुपरडेंट दे अजे केस रजिस्टर होया भी उन्होंने रले हुए सीगे। हुण तुसीं इहनां नूं वैसे एक डिसीजन पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत वधिया हुण कीता, जिहड़ा अजे शायद तुहानूं पता ना लगे, अजे डिसीजन कीता जिहड़ा हरप्रीत सिंह सिद्धू IPS ऑफिसर अडिशनल DGP जी नूं सिट दा चेयरमैन बनाया होया, एसटीएफ दा हाँ, उहनूं अडिशनल चार्ज जेलां दे जेलां दा भी दे दिता। हुण कोई आस दी किरन हुण जरूर जम्मी है, क्योंकि वह हार्ड कोर ऑनैसट बंदा, उन्हें किसी नहीं छड़ना। उन्हें किन्ने वे जो शायद याद हो गए मोगे एक IAS अफसर SSP सी, वो बिच रलिया होया सीगा नशिया दे विच, वो सिद्धू ने उहदा नाम बिच लिया सी, उहदा बिच उहदा नाम कीता सी दर्ज, ते वो अफसर हुण उहनूं जेलां दा चार्ज देता। पर मैनूं अफसोस भी इस गल दा है भी पंजाब गवर्नमेंट के बाकी अफसर क्यों आपकी बेइज्जती करवा रहे हैं, वो क्यों नहीं जेलों से ये कंट्रोल करते, क्यों नहीं वह ऑनेस्टी का सबूत देते, क्यों एक अफसर से पंजाब गवर्नमेंट डिपेंड कर रही है? होर अफसर कितने ईमानदार नहीं आ गए? होर भी बहुत ईमानदार अफसर ने, उन्होंने भी धड़ल्ले नाल काम करना चाहिए। हुण हरप्रीत सिंह सिद्धू आया, मेरा ख्याल है कि पंजाब दीआं जेलां चों जिहड़ा फरौतियां मंगण दा काम है ये बंद हो जाएगा, ऑटोमैटिकली डर जाना उन सारे ने, क्योंकि उस बंदे का रोह भी इन्ना है। मैं उहदे नाल काम कीता, वो साढ़े पटियाले जिले च SSP रहा, मैं उहदे नाल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन अफसर काम कीता। वह बंदे ने पुलिस वालियां नूं टैलीफोन दे उत्ते जदों कोई पुलिस स्टेशन दे विच फोन करदा सी वह श्रीमान जी कहिंदे सी, वह श्रीमान जी कहण लाता सी, उस तों बाद फिर बंद हो गया। वह बहुत दलेर अफसर है, इको अफसर ते उम्मीद है भी जे उस अफसर दे सरकार कहने च लगे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मौके भी उसनू नाराज कर लिया सी, वो एक साल की छुट्टी चला गया सी ट्रेनिंग ते, क्योंकि उहदी गल मन्नी नहीं सी जा रही, मतलब जे उहदी गल मन्नण गए तां उहदे उत्ते रहेगा, नहीं तां उह तां छड के परे हो जाएगा, उहदे नाल दलेर अफसर है। हाँ जी, अच्छा आपने ये बात करी है नए ऑफिसर जिनको अभी जेलों का एक देखने का जिम्मा दिया गया है, ये महाराष्ट्र की जो जेल है उसमें भी यही सब चलता है, दिल्ली की जेल है उसमें भी यही सब चलता है। इवन जिसने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है उसने तो बाकायदा सोशल मीडिया पे अनाउंस किया था कि इसकी हत्या में मतलब मेरे ग्रुप का हाथ है, है ना? तो क्या मतलब ये जो ऑफिसर है क्या उनसे भी कुछ लिंक अप कर पाएंगे? क्योंकि ये मतलब 3-4 बड़े स्टेट हैं जहाँ पे जो गैंगस्टर हैं वो बंद हैं। अब पंजाब की जेल में गैंगस्टर बंद है, दिल्ली की जेल में, ऐसे महाराष्ट्र में, तो इनके आपस में ये सब लिंक्ड है, इनको किस तरीके से डिसलिंक किया जाएगा? मतलब आपने ये बात कही ना कि आपने उन अफसर के साथ काम किया हुआ है, तो मैंने इसलिए ये सवाल किया। ये एक्चुअली ये पंजाब, इनका कंट्रोल तब पंजाब में होगा, बाहर तो ये कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कर सकते हैं
ये उनसे तालमेल जरूर कर सकते हैं, पर तालमेल क्या करेगा अगर उनके अफसर दिल्ली तिहाड़ जेल के अफसर अगर मिल जाए तो उसमें हरप्रीत सिंह सिद्धू क्या करेगा। देखो इस टाइम जेड़े ये सो कॉल्ड गैंगस्टर कहते हैं दिल्ली ते बॉम्बे ते तीजा पंजाब हैगा, ये तीन थावां ते बहुते ज़्यादा ने। देखो यूपी दे विच बिहार दे विच ये बहुत कंट्रोल हो गया, तो इस तरीके जे हुण दिल्ली वाले भी करन ते महाराष्ट्र वाले भी तां इहदा फायदा हुण जे वैसे मैं हैरान हाँ भी इन्हां लोकां ते पुलिस दा डर ही नहीं है। बात की तो यूपी में तो काफी चीजें जो है मुख्यमंत्री के डर से खौफ से ही कम हो रही हैं और धीरे धीरे हो सकता है आने वाले समय में और कम हो जाएं, तो ऐसा खौफ शायद मान साहब का नहीं दिखाई देता पंजाब में। मैं वही ऐसे बोला है अभी ज्यादा मान साहब को फ्री हैंड मिल जाए, मान साहब को तजर्बा भी है नहीं, अभी थोड़ा दो महीने का तजर्बा है, अगर तजर्बा हो जाएगा हो सकता है मान साहब कंट्रोल, मान की जड़ी सोच है ना वो तो सही है, मान करना तो चाहता है पर वो कर नहीं पा रहा है, वो क्या करे उसके बस नहीं चल रहा है, फिर कहेंगे बेबस कहता है, इसके लिए इसे वो कर नहीं सकता, क्या कारण है ये ज़्यादा तो उसको मालूम होगा, लेकिन फैसले कुछ तो उन्होंने ठीक किए हैं, करने की कोशिश करते हैं पर शाबा वाबा खट्टण दे मारे जब फैसले नु पब्लिक कर देते हैं उसका नुकसान हो जाता है, जैसे उसे वाले का हुआ है, ऐसा नहीं करना उनको, उनको अनुभव का कुछ कम अनुभव है ये आप कहना चाह रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, हाल ही की ये जो घटनाएं हुई हैं जिनमें सेलिब्रिटीज के ऊपर अटैक किए गए हैं और उसके बाद फिर ये भी बातें निकल के आती हैं कि इसमें ISI का हाथ है, तो इनके इनपुट्स सेंटर को भी जाते हैं, इनके इनपुट्स जो स्टेट गवर्नमेंट को भी जाते हैं, तो ये जो घटनाएं हैं इनमें मतलब आपकी नज़र से केंद्र और जो स्टेट है इनको मतलब क्या सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो घटनाएं हुई हैं ये छोटी घटनाएं नहीं है, इन्होंने पूरे मतलब वर्ल्ड का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मनविंदर जी ये बॉर्डर स्टेट है, आपको भी मालूम है क्योंकि आपकी बैकग्राउंड पंजाब से ही है, पंजाब जब बॉर्डर स्टेट होने करके जितने अग्रेसन पहले भी हुए हैं इधर अफगानिस्तान साइड थे इधर से ही होते रहे हैं पंजाब, अब पंजाबी बड़े बहादुर हैं मुकाबला करते रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा बॉर्डर जो सील करना है ना वो सेंटर की एजेंसियों ने करना है, वो पंजाब ने नहीं करना, वो PA सेंटर की एजेंसी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो लगी हुई है, सेंटर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ये स्टेट कामयाब ता ही होगी अगर सेंटर फुल सपोर्ट करेगी, ये हाफ हार्टेड सपोर्ट होगी भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है हम ना करें तो बहुत माड़ी गल है। वैसे मुझे पता चला है अभी होम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई है, चंडीगढ़ में भी मीटिंग बुलाई है, JNK भी मीटिंग बुलाई है कि अगर बॉर्डर पे वैसे उन्होंने 50 किलोमीटर का एरिया तो अपने अंडर कर ही लिया, इसमें पंजाब का रोल भी कम हो जाता है, अगर उधर से पुख्ता प्रबंध कर लिए जाए तो फिर तो पंजाब सरकार का काबू कर सकती है, ये ना किए फिर देखो पाकिस्तान का तो ये इन्होंने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान तो ये आग तो हमेशा लगती रहेगी, ये तो बर्न होती रहेगी उनके दिल में, वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि पंजाब में शांति हो, क्योंकि उनको ये भी पता है कि पंजाब के लोग घबराह जल्दी हो जाते हैं, इमोशनल हैं, पीछे लग जाते हैं, वो सरहदी लोग तो हमारे बहुत ही उनके लिए तो रूटीन है, वो तो ऐसे कामों में इंडल्ज हो जाते हैं कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। वैसे आप देखते हैं जो नशा भी पंजाब में आता है, जो ये जो आप कहते हैं भी इन्होंने पाकिस्तान के उन्होंने एजेंसी के बंदे आते हैं तो वह पंजाब कैसे पहुँच जाते हैं, वो जे बॉर्डर तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उन्होंने आने जो उन्होंने सील कर, मैं दसदा भी मैं CM के नाल काम किया उदो असी कोशिश की बॉर्डर सील हो जाए, पर बॉर्डर लम्मा बड़ा सेंटर वाले जो खर्चे होंगे सिक्योरिटी फोर्स तो पंजाब के गल मर दें, उन्होंने चाहिए भी यह बॉर्डर टोटली चाहे कंध करके जिदा मर्जी करे, वार्ड में तो कट के आ जाते हैं, वार्ड में तो कट्टा जाता
ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਬਾੜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਹਾਂਜੀ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो एमबीसी में अपनी इतनी मूल्यवान जानकारी दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने दर्शकों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपसे कि हम फिर किसी और मुद्दे पे दोबारा मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।